हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचो को होश नहीं आ रहा था, उसका बॉडी भी ग्रे हो रहा था, तो वो लोग फाइनली वेंचिंग को लेकर आए एंड वेंचिंग के ट्रीटमेंट की वजह से लंचो को होश आ गया। लंचो के होश आने के बाद विंग से लंचो का बात हुआ एंड बात करते वक्त उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ एंड देन लंचो सो गया। नेक्स्ट टाइम जब लंचो जागा तब वेंचिंग ने उसे एक हर्बल ड्रिंक दिया। उसने लंजा को चेक किया और इन्फॉर्म किया कि अभी लंजा उसका चाइल्ड आउट ऑफ डेंजर है, बट हाँ अभी लंजा कोई स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता और ना ही वो स्ट्रेस ले सकता है। दिन उसके बाद लंजा एंड ज़िवोचुन अकेले में बात कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ज़िवोचुन लंजा के टेंट से निकले, बट वो थोड़ा सा गुस्सा थे एंड देन लंजा के टेंट में वीइंग आया। लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने मेडिटेट किया एंड देन वो सो गया एंड विंग वहाँ पर ही बैठा हुआ था। विंग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहा था। वो सोच रहा था अगर लंजो को बेबी के बारे में बहुत टाइम से पता है तो उसने इसे पहले ही टर्मिनेट क्यों नहीं किया, उसने डॉक्टर चिन का दिया हुआ दवाई क्यों नहीं लिया। इनफैक्ट लंजो ने उन बॉटल्स को टच तक नहीं किया था। क्या लंजो एक्चुअली विंग के साथ एक फैमिली बनाना चाहता था एंड अब उसका डिसीजन इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि विंग ने उसे अपने से दूर किया है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लंजा जैसे इंसान का ये भी विंग को अपने लाइफ का पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा। वो दोनों बहुत अलग है। हाँ ये बात सच है कि पहले विंग को लंजा को टीस करने में अच्छा लगता था, बट तब ऐसा कुछ था नहीं। तब विंग स्ट्रांग था, उसके अंदर गोल्डन कोड था, वो लंजा का इक्वल था, बट अब वो लंजा का इक्वल नहीं है, उसके अंदर गोल्डन कोड नहीं है। तो अगर लंजा फैमिली चाहता भी है उसके साथ तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों को शादी करना पड़ा तो वो लोग सिर्फ उनके चाइल्ड के लिए शादी करेंगे, जस्ट नेम सेक के लिए, नथिंग एल्स। एंड वैसे भी जब लंजा को सच पता चल जाएगा विंग के बारे में तब वो विंग को अपने लाइफ में चाहेगा भी नहीं। वो ये सोच ही रहा था तभी टेंट के बाहर से याली ने बुलाया, तो विंग ने कहा सीजिए आप अंदर आइए। तो यानली एंड जियांगचेंग दोनों ही अंदर आए। सीजे के हाथ में खाने का ट्रे था। सीजे ने कहा तुमने दो दिन से कुछ खाया नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, पी लो। ये बोल के सीजे ने विंग को सूप दिया, जियांगचेंग को भी, एंड विंग सूप पीने लगा। सीजे ने पूछा सेकेंड यंग मास्टर लान कैसे हैं? विंग ने स्माइल करते हुए कहा वो अब ठीक है। सीजे ने टीज करते हुए पूछा एंड तुम्हारा चाइल्ड? ये सुनते ही विंग खांसने लगा। सीजे ने हंसते हुए कहा अरे केयरफुल, इस तरफ जियांगचेंग उसका फेमस आई रोल कर रहा था। विंग ने जियांगचेंग को एंड सीजे को अवॉइड करते हुए कहा वो दोनों ही ठीक है। विंग लिटरली ब्लश कर रहा था, वो सोच रहा था उसका चाइल्ड, सच में उसका चाइल्ड, उसका भी चाइल्ड होगा, ये कितना ड्रीमी है। जियांगचेंग ने कहा आई थिंक तुम्हें मरने का शौक है, अदरवाइज तुम ग्रैंड मास्टर के फेवरेट नेफ्यू को परस्यू नहीं करते। ये सुन के विंग सोच रहा था उस दिन शुएनु केव में जब बो एंड लंजा क्लोज हुए थे, इंटीमेट हुए थे, तब उन लोगों ने लानगुन के बारे में सोचा भी नहीं था, उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तभी जियान याली ने कहा आ चेंग रुक जाओ। देन याली ने विंग की तरफ देखा और कहा आ शियांग, तुमने अभी क्या करने की डिसीजन लिया है? विंग ने कहा मैं सीजी हम फिगर आउट कर रहे हैं, अभी लंजा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। तभी जियांगचेंग ने कहा तुम लॉन्ग लाइन में शादी नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा मेरे सेट को मैनेज करने के लिए। ये सुन के विंग ने शाई किया। देन कुछ टाइम के लिए विंग चुप था। विंग नहीं जानता कि लंजा उसे अपने लाइफ में चाहता भी है या नहीं। तभी याली ने कहा आशियांग तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे एंड सेकेंड यंग मास्टर लान के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? ये बोल के याली ने बेड की तरफ देखा जहाँ पर लंजा सो रहा था। विंग अपने बहन को झूठ नहीं बोल सकता एंड सच बोलकर वो उनको वरी नहीं कर सकता, वो लोग ऑलरेडी वॉर के बीच में है, वो किसी को भी अपने लिए और टेंशन में नहीं डाल सकता। तो उसने कहा सीजिए अब चिंता मत कीजिए। ये बोल के विंग ने एक बिग स्माइल किया एक चाइल्ड की तरह। ये देख के जियांगचेंग ने कहा एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो, अब तो तुम्हारे खुद के चाइल्ड होने वाले हैं। ये बोल के जियांगचेंग ने विंग के शोल्डर पे स्लैप किया
तो विंग ने कहा, शियांगशा अपने सीजीए के लिए हमेशा 3 ईयर ओल्ड ही रहेगा। ये बोल के विंग ने जियांग चैन को एंड सीजीए को हक किया। सीजीए ने तो हक किया, बट जियांग चैन ने पहले आई रोल किया, बट उसने कुछ कहा नहीं, उसने विंग को हक करने दिया। कुछ टाइम बाद विंग नींद से उठा, उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो कब सो गया था। नींद से उठते उसने बेड की तरफ देखा एंड बेड पे लंजा बैठा हुआ था एंड वो उसे ही देख रहा था। उन दोनों का आई लॉक हुआ। विंग ने कहा, लंजा अब तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए विंग लंजा की तरफ जाने लगा। जाते जाते विंग ने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? क्या वेंची ने तुम्हें चेकअप किया है? एंड वो बेबी? ये बोल के विंग रुक गया। वो आए कुछ बोल नहीं पाया और ना ही वो आगे बढ़ पाया। उसके एंड बेड के बीच में एक हाथ का डिस्टेंस था। लंजा ने उस डिस्टेंस की तरफ देखा और कहा, अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर वेन ने मुझे सूप पिलाया है। विंग ने कहा, ओके ओके दैट्स गुड, मैं चेंज करके आता हूँ। एंड तभी लंजा ने कहा, विंग बेबी भी ठीक है। लंजा देख पा रहा था विंग कितना डिस्ट्रेस है। ये सुनते विंग कुछ बोल नहीं पाया, वो बिल्कुल स्टिल हो गया, वो साइलेंट हो गया, बट लंजा उसे ही देख रहा था। देर लंजा ने पूछा, विंग क्या हम बात कर सकते हैं? विंग ने नोट किया, उसने अपने हाथों को टाइटली जकड़ लिया। विंग देख पा रहा था कि किस तरीके से लंजा अपने हाथ को अपने स्टमक के ऊपर रख रहा था। विंग का हाथ तड़प रहा था लंजा के स्टमक को एक बार टच करने के लिए, बट वो अपने को कंट्रोल कर रहा था। ऑफकोर्स लंजा एंड वो इससे पहले इंटीमेट हुए थे, जिसकी वजह से आज लंजा प्रेग्नेंट है, बट स्टिल लंजा के परमिशन के बिना उसे ऐसे टच करना विंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। वो ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। वो ये सोच ही रहा था तभी लंजा ने कहा, क्या तुम बैठोगे नहीं? विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, विंग यहाँ पर आओ। ये बोल के लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। ये देख के पहले विंग शॉक्ड हो गया, पर उसने लंजा को ओवे किया। उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड लंजा के पास जाकर बैठ गया। तभी लंजा ने विंग के हाथ को अपने स्टमक के ऊपर रखा, विंग के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए, एंड विंग के बॉडी में इमीडिएटली गुज़म्स आ गए। उसका ब्रीदिंग भी रुक गया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग ब्रीथ करो। विंग ने नोट किया, उसे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि लंजा के अंदर उसका चाइल्ड है। वो एक बार स्टमक को देख रहा था, एक बार लंजा को देख रहा था। उसने कहा, लंजा ये हमारा? ये बोलते हुए विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। लंजा ने कहा, हाँ हमारा बेबी। ये बोलकर लंजा ने अपने दूसरे हाथ को विंग के फेस पे रखा एंड विंग एक स्टफ्ड किटन की तरह लंजा के हाथ में लींट हो गया। उसने अपने आंखें बंद कर दिया, उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। लंजा जेंटली अपने थंब को विंग के चीक में फेरने लगा। दिन वो धीरे धीरे विंग को अपने क्लोज लाने लगा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। विंग ने अपने हाथ को लंजा के नेक पे रखा एंड उसने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड पे रखा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग मैं इस बेबी को इस वर्ल्ड पे लाऊंगा। ये सुनते विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया, उसे रिलीफ फील हुआ, उसके बॉडी से सारा टेंशन जैसे गायब हो गया। उसने एक स्माइल किया एंड वो लंजा के स्टमक के ऊपर अपने हाथ को फहराने लगा। उसने फाइनली अपनी आंखें ओपन किया। उसने कहा, थैंक यू लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड मैं हमेशा तुम्हारे एंड बेबी के साथ रहूंगा। ये बोलकर उसने लंजा के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस किया। पहले लंजा शॉक्ड हो गया, बट उसने विंग को पुश नहीं किया। दिल लंजा ने कहा, मैंने भाई से बात किया है शादी के बारे में। जस्ट बिकॉज हमारा बेबी होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें शादी करना होगा। ये बोलते हुए लंजा विंग के गेस को अवॉइड करने लगा एंड ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। ऑफकोर्स उसके अंदर ये थॉट है कि वो दोनों इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का बेबी होने वाला है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि कोई दूसरा रास्ता भी होगा। लंजा ने खुद बताया था कि उनको शादी करना होगा एंड अब लंजा ही कह रहा है कि शादी करना ज़रूरी नहीं है। ये सुन के विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे पनिशमेंट जैसा लग रहा था। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गया, सोच रहा था कि लंजा उसे अपने आप से दूर करने की रास्ता क्यों ढूंढ रहा है। उसने कहा, तो तुम मेरे बेबी को इस वर्ल्ड पे लाना चाहते हो पर मुझसे शादी नहीं करना चाहते, क्या मेरे कल्टीवेशन तुम्हारे एंड तुम्हारे क्लैन के लिए इतना बुरा है लंजा? ये सुनते लंजा चौंक गया, उसने विंग की तरफ देखा, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। उसने कहा, देन उसके बाद क्या?
तुम मुझे मेरे चाइल्ड से दूर कर दोगे? लांग वांग जी, तुम्हें क्या लगता है ये सही होगा? तुम तो हमेशा राइट एंड रॉन्ग के बारे में बातें करते हो ना, बट मैं अपने चाइल्ड को बदनाम नहीं होने दूंगा। इससे पहले लंचे कुछ कह पाता विंग वहां से चला गया। जाते जाते वो सोच रहा था कि लंचा क्या चाहता है, उसका विंग के साथ चाइल्ड होगा एंड देन वो किसी और शादी करेगा। विंग को हमेशा लगता था कि लंचा अपने बात की पक्की है एंड वो हमेशा सही चीज़ें करता है, तो किसी और के साथ चाइल्ड होना देन किसी और से शादी करना अनफेथफुल नहीं है। जैसे उसके दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि लंचा किसी और से शादी कर रहा है, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसका ब्लड बॉयल हो रहा था। वो ये सोचते हुए चल रहा था तब उसने देखा कि जियांग चैंग, जियान याली एंड जेबोजुन वेंचिंग के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। विंग को देख के जेबोजुन ने ग्रीट किया, उन्होंने कहा यंग मास्टर वी। विंग बहुत ही गुस्सा था जिसके वजह से उसका गुस्सा जेबोजुन की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो वो अपने को कंट्रोल करने लगा एंड जेबोजुन को अवॉइड करने लगा। बट जेबोजुन ने कहा हम बहुत जल्दी एक और अटैक करने वाले हैं एंड हम चिशंग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि जब तक ये सब ख़त्म ना हो जाए तब तक वांगजी गुसु चला जाए, यही उसके लिए सेफ होगा। ये सुन के विंग को लगा कि एक अच्छा आइडिया है, अभी वॉर जोन के बीच में लंचा का यहाँ पर रहना वो भी इस कंडीशन में सेफ नहीं होगा। हाँ वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है बट अभी वो ठीक नहीं है, वो अभी उन्डेट है, घायल है एंड प्रेग्नेंट भी, तो विंग को इस आइडिया से एग्री करना चाहिए। बट विंग ने एग्री नहीं किया, उसने कहा नहीं। जेबोजुन ने कहा यंग मास्टर वी। विंग ने कहा यहाँ से गुसु जाना बहुत ही लॉन्ग जर्नी होगा, लोटस पेयर यहाँ से क्लोज होगा, तो सीजीए लंजा के साथ वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगी एंड वैसे भी वो इस हालत में गुसु के माउंटेन में चढ़ नहीं सकता। वो ये बोल तो रहा था पर उसके दिमाग में यही बात चल रहा था कि अगर लंजा गुसु चला जाएगा तो वो लोग विंग को लंजा से दूर रखेंगे, देन विंग लंजा से मिल भी नहीं पाएगा और ना ही उनके चाइल्ड से मिल पाएगा। लंजा इतना क्रूएल नहीं हो सकता। जब से विंग बुरियल माउंट से लौटा है उसका दिमाग उसे यही कहता था कि उसे लंजा से दूर रहना चाहिए, पर उसका हार्ट एंड उसका बॉडी उसे ये अलाउ नहीं कर रहा था। वो लंजा को पूछ तो कर रहा था पर वो लंजा से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा था, वो खुद लंजा की तरफ खींचते हुए जा रहा था। जब वो लोग गुस्से में पढ़ाई करते थे तब उसका एक ही मोटिव रहता था, वो है लंजा का अटेंशन पाना, उससे रिएक्शन पाना। वो चाहता था कि लंचा का आइस हमेशा उसके ऊपर ही रहे, इसके लिए वो कुछ भी करता था। इनफैक्ट अपने आप को गुसु के हेट लान कुरेन से डांट भी पड़वाता था, अंकल कुरेन उसकी तरफ चीज़ों को थ्रो भी करते थे तब भी विंग नहीं रुकता था। इनफैक्ट जब लंचा यिन आयरन के लिए निकला था तब भी विंग ने उसे फॉलो किया था एंड देन जब विलेज में लंचा अकेला गया था तब भी विंग ने उसे फॉलो किया था। वो अपने आप को लंचा से दूर नहीं कर पाता था, उसके लिए अपने आप को लंचा से दूर कर पाना इम्पॉसिबल है एंड अब तो एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है, वो भी लंचा की इस कंडीशन में। बट विंग के बदौलत से रन सिचेन कन्विंस नहीं थे, बट फिर भी वेंचिंग एंड जियान याली उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली जेबोजुन, जियान याली एंड वेंचिंग वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर जियांग चैंग एंड विंग था। विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और पूछा तुमने वेंचिंग के लिए क्या डिसाइड किया है? जियांग चैंग ने कहा क्या मतलब? विंग ने कहा क्या तुम वेंस को हेल्प करोगे? क्या तुम वेंचिंग को लोटस पेयर में अलाउ करोगे ताकि वो लंजा को ट्रीटमेंट कर सके? ये सुन के जियांग चैंग ने इमीडिएटली कहा तुम्हें तो ये जेबोजुन को अपना डिसीजन बोलने से पहले पूछना चाहिए था। विंग ने कहा हमारा स्पाइस अभी भी उसके फैमिली एंड उसके भाई को ढूंढ रहा है, उसके पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है और कोई जगह नहीं है। एक टाइम था जब उसने हमें रहने के लिए जगह दिया था, अब हमारी बारी है उसे हेल्प करने का। जियांग चैंग ने कहा बट वो एक वेन है विवुशियान। विंग ने कहा एंड तुम उससे प्यार करते हो? ये सुनते ही जियांग चैंग ने विंग के शोल्डर पे एक जोर से पंच किया तो विंग ग्राउंड पे गिर गया। जियांग चैंग ने कहा तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो? हाँ दिन जियांग चैंग ने कहा उनके लोटस पेयर जाने का इंतजाम करो। ये बोल के जियांग चैंग वहाँ से चला गया बट विंग ग्राउंड पे लेटा रहा ग्रास के ऊपर एंड वो सोच रहा था कि जियांग चैंग ने सही कहा, वो प्यार के बारे में क्या जानता है? उसे सिर्फ इतना पता है कि वो अपने चाइल्ड से बहुत प्यार करता है एंड लंजा से भी। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या सोचा, वो लंजा से प्यार करता है। हाँ राइट,
वो लंजा से प्यार करता है। इस तरफ लंजा, जब जेबोचुन ने एंड वींग ने उनका डिसीशन बताया, लंजा ने कहा मैं लोटस पियर नहीं जा रहा। वींग ने कहा बट, तभी जेबोचुन ने कहा देन गुसु जा रहे हो। लंजा ने स्टर्नली कहा मैं गुसु भी नहीं जा रहा। ये सुनकर जेबोचुन एंड वींग दोनों ही फ्रोंड हो गए। लंजा जानता है कि वो दोनों चाहते हैं कि लंजा इस वॉर जोन से दूर रहे, इस बैटल फील्ड से चला जाए, बट लंजा नहीं जाएगा। जेबोचुन ने पूछा देन निये क्लैन? ये सुनकर लंजा ने जेबोचुन की तरफ ग्लेयर किया। लंजा ने कहा जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। विंग ने कहा लंजा रीजनेबल बनो, तुम अभी भी रिकवर कर रहे हो एंड तुम प्रेग्नेंट हो, हम तुम्हारे सेफ्टी को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। लंजा ने विंग की तरफ भी क्लियर किया। लंजा ने कहा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ एंड मैं बीमार नहीं हूँ। ये सुनकर विंचिंग ने कहा यह पूरी तरीके से सच नहीं है। ये बोलने के बाद एज अ रिवर्ट विंचिंग को भी लंजा का क्लियर मिला। लंजा ने कहा फिर भी मैं नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा लंजा प्लीज़। तभी लंजा ने कहा विंग तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें हेल्प करने दोगे। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि जब से वो इंजर्ड हुआ है उसके अंदर एक ही डर है कि वो वार्ड को एंड विंग को हेल्प नहीं कर पाएगा। बट जेबोचुन का उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से लंजा को अब पहले से अच्छा फील हो रहा है, उसे स्ट्रांग फील हो रहा है एंड उसने विंग को उसकी रिजनेबल एनर्जी को लेकर हेल्प करने के लिए कुछ न्यू म्यूजिक का नोट्स भी सीखा है। उसे डर है कि शायद वार में विंग का कल्टिवेशन उसे ओवरपावर कर जाएगा एंड अगर ऐसा हुआ एंड अगर लंजा उसे हेल्प नहीं कर पाया तो लंजा अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो ये सोच ही रहा था तभी विंग फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने चिल्ला कर कहा तब मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। लंजा ने स्टबर्नली अपनी आँखों को बंद कर लिया एंड उसने कुछ कहा नहीं, वो अभी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता। ये देख के जेबोचुन ने शाई की ओर कहा वांग जी बात को समझो। लंजा ने फिर भी अपनी आँखें ओपन नहीं किया। विंग ने कहा लंजा, ये बोलकर विंग ने शाई किया। वो लंजा के बेड के पास आकर बैठ गया। उसने अपने वार्म हाथों को लंजा के फेस में रखा। विंग ने कहा तुम कोई फर्दर स्ट्रेस नहीं ले सकते और ना ही तुम स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ बात को समझो, यही तुम्हारे एंड बेबी के लिए बेस्ट होगा। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। लंजा ने अपने आँखें ओपन किया, उसने विंग की तरफ देखा तो विंग के विशफुल एक्सप्रेशन देखकर उसका हार्ट मेल्ट हो गया। वो ऑलमोस्ट एग्री करने ही वाला था बट नहीं, लंजा भी स्टबर्न है, वो भी लांग वांग जी है। उसने कहा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम जानते हो ये बात। जेबोचुन ने कहा वांग जी डिफ़िकल्ट होना बंद करो। बट लंजा ने जेबोचुन को भी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो अभी जेबोचुन से अपसेट है, क्योंकि जेबोचुन ने बेसिकली विंग को फोर्स किया है ताकि वो लंजा से शादी करे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इस वजह से जेबोचुन अभी लंजा का साइलेंट ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। एंड उस दिन जेबोचुन के लंजा के बीच में इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, जहाँ पर लंजा ने ट्रेड दिया था कि वो सेक छोड़कर चला जाएगा। तो जेबोचुन ने लंजा से बेग किया था ताकि वो उसके बात को समझे। जेबोचुन उसे समझाया कि बिना शादी के चाइल्ड होना बहुत ही डिसऑनरेबल होगा एंड इसका इफेक्ट उसके सेक्ट के ऊपर, उसके सेक्ट के लोगों के ऊपर, एल्डर्स के ऊपर एंड अंकल के ऊपर भी पड़ेगा। लंजा इस बात से एग्री करता है बट स्टिल वो नहीं चाहता कि उसका शादी विंग से ज़बरदस्ती हो। वो अपनी माँ की तरह विंग को ऐसे बंदी नहीं बनाना चाहता। जब जेबोचुन नहीं मान रहे थे तब लंजा ने उन्हें कहा था कि आप ये चाहते हैं कि विंग मेरे फीलिंग्स की वजह से गुस्से में प्रिजनर बन जाए, बंदी बन जाए, बिल्कुल जैसे मेरी माँ हुई थी मेरे बाबा की वजह से। ये सुनकर जेबोचुन गुस्सा हो गए थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये बोल के जेबोचुन उस टेंट से निकल गए थे गुस्से से। बट इसका मतलब ये नहीं कि जेबोचुन ने जो कुछ भी किया है वो ठीक है। जेबोचुन ने विंग को रिटेली थ्रेट दिया था जिसके वजह से लंजा अपसेट है। वो ये सोच ही रहा था तभी जेबोचुन ने कहा वांग जी। लंजा ने इमीडिएटली कहा मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि हाफ सच था बट स्टिल ये काम कर गया। जेबोचुन इमीडिएटली लंजा के पास चले आए एंड उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने लगे। इस तरफ विंग भी लंजा के ऊपर ब्लैंकेट को ठीक कर रहा था। इस तरफ विंचिंग जो कि लंजा के बात को, उसके ट्रिक को समझ गया था बट उसने कुछ कहा नहीं, उसने आई रोल किया एंड वो वहाँ से निकल गया। लंजा को पता है कि वो ये आर्ग्यूमेंट अभी तक नहीं जीता है बट एटलीस्ट अभी के लिए ये दोनों कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सोचते हुए वो लेट गया एंड सो गया।
एंड बहुत जल्द उसे नींद भी आ गई। नेक्स्ट टाइम जब उसका नींद खुला तब उसने देखा कि विंग टेबल पर बैठा हुआ है एंड वो कुछ रीड कर रहा है। लंजन ने विंग को जानने नहीं दिया कि वो जाग चुका है। वो वहाँ से ही विंग को देख रहा था, उसके ब्यूटीफुल फेस को एडमायर कर रहा था। लंजन देख पा रहा था कि विंग अपने थॉट्स में खो गया है, उसका फेस शार्प हो गया है। उसका फेस बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था जब वो लोग घुस में पढ़ाई करते थे। तब भी पढ़ाई का प्रेशर रहता था, बट विंग का फेस हमेशा रिलैक्स हुआ करता था, उसके फेस में स्माइल रहता था। बट अब लंजन देख पा रहा था कि विंग के लिप्स के नीचे एक स्मॉल मोल है। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो उसे बाइट करे। देन लंजा इमेजिन करने लगा कि विंग का सॉफ्ट लिप्स उसके बॉडी को टच कर रहा है, उसके बॉडी के हर एक पार्ट को किस कर रहा है। लंजा को रियलाइज हुआ कि वो अभी भी विंग के टच को फील कर सकता है, उसे अभी भी विंग के लिप्स का टच याद है। एंड देन लंजा को रियलाइज हुआ कि वो ये क्या सोच रहा है, क्योंकि उसका बॉडी फुल्ली हॉट हो चुका था। उसने अपने आंखें बंद कर लिया, उसे कुछ और सोचना होगा एंड उसे इस एम्बेरेसिंग कंडीशन से निकालना होगा। वो क्या सोचे? गार्डन्स, हाँ गार्डन्स, फ्लावर, ग्रास, एनिमल्स, क्यूट एनिमल्स, बनीज। बनीज याद आते ही लंजा को याद आ गया विंग का बनी टीथ। वो इमेजिन करने लगा कि विंग उस टीथ से लंजा के स्किन को बाइट कर रहा है एंड बाइट मार्क्स को सक कर रहा है, लंजा के स्किन को अपना मार्क कर रहा है। एंड अगेन वो यही सब सोच रहा था तो उसने कहा नहीं। उसे लगा कि उसने ये मन ही मन में कहा होगा, बट नहीं, उसने एक्चुअली में जोर से चिल्लाया था। उसके वॉइस सुनते ही विंग ने कहा, लंजा लंजा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, तुमने चिल्लाया क्यों? क्या तुम्हें नाइटमेयर आया था? ये सुनते ही लंजा ने अपने आँखें ओपन किया। उसने देखा कि विंग उसके बहुत करीब है, उसका फेस लंजा के फेस के बहुत करीब है। इससे पहले लंजा अपने को रोक पाता वो थोड़ा सा ऊपर हुआ एंड उसने विंग के लिप्स में एक सॉफ्ट एंड क्विक किस किया। ये देखते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो इतना शॉक्ड हो गया कि वो फ्लोर पे जोर से गिर गया एंड उसे पेन भी हुआ। ये देख के लंजा ने विस्पर करते हुए चिल्लाया, विंग। बट विंग ने कुछ कहा नहीं, वो लंजा को देखने लगा। वो कुछ टाइम के लिए फ्लोर में ही था एंड देन वो फिर से लंजा के पास आया, बहुत पास। एंड देन वो बेड के ऊपर आया एंड देन वो लंजा के करीब गया एंड वो उसे किस करने लगा। लंजा ने इमीडिएटली विंग के कपड़ों को पकड़ लिया एंड उसे और भी क्लोज खींचने लगा। विंग ने उन दोनों के हाथों को ज्वाइन किया एंड साइड में पिन कर दिया एंड देन वो कंटिन्यू लंजा के माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। किस करते हुए लंजा मोनिंग करने लगा। इस तरफ विंग लंजा के लिप्स को लिक कर रहा था एंड उसे कंटिन्यू किस किए जा रहा था। लंजा विंग को और भी क्लोज खींच रहा था। देन लंजा ने विंग के मोल को बाइट किया। इससे विंग मौन कर उठा। उसने कहा, लंजा तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? तो लंजा ने एज ए एपोलॉजी विंग के मोल के ऊपर एक सॉफ्ट किस किया। इससे विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, अरगग्गा तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हारे विंग को सॉरी भी नहीं बोला। जैसे ही विंग ने कहा तुम्हारे विंग, लंजा के फेस में स्माइल आ गया। ये देखते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ओ माई गॉड लंजा। लंजा देख पा रहा था कि विंग कितना शॉक्ड हो गया है, कितना सरप्राइज्ड हो गया है। विंग ने लंजा के वेस्ट को पकड़ा एंड उसे फिर से किस किया और कहा, लंजा तुम्हारा स्माइल दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल स्माइल है। ऑनेस्टली मैं पहले सोचता था कि तुम स्माइल क्यों नहीं करते, बट अब जब मैंने तुम्हारा स्माइल देख लिया है मैं यही कहूँगा कि तुम किसी और के लिए कभी भी स्माइल नहीं करोगे। ये बोल के विंग ने फिर से लंजा के लिप्स में किस किया। लंजा ने कहा, किसी और के लिए नहीं। विंग ने कहा, किसी और के लिए नहीं। लंजा ने कहा, सिर्फ विंग के लिए। विंग ने कहा, सिर्फ विंग के लिए। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा विंग के फेस को देखने लगा। इस बार विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, वो रियल दिख रहा था, बिल्कुल पहले वाला विंग, वही केयर फ्री चीयरफुल विंग जिसे लंजा बहुत टाइम बाद देख रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि उसने इस विंग को कितना मिस किया है। वो उसे ऐसे ही देख रहा था तभी विंग ने कहा, लंजा मुझे ऐसा देखना बंद करो। लंजा ने कहा, ये सब खत्म हो जाने के बाद क्या तुम मेरे साथ घुसू आओगे? लंजा को पता नहीं कि उसने ये बात क्यों कहा, बट उसने जैसे ही ये सब कहा विंग के फेस का स्माइल गायब हो गया एंड लंजा को रिग्रेट होने लगा। बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता,
वो अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकता। देन विंग ने कहा, ताकि तुम एंड ग्रैंडमास्टर लान मुझे प्यूरीफाई कर सको एंड मुझे तब तक बंदी बना सको जब तक मेरा कल्टीवेशन तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट ना हो। ऑनेस्टली विंग सही है, ये बस सच है कि लंजे को अंकल की हेल्प चाहिए विंग की रिसेंट एनर्जी को क्लीन करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि विंग का सेकेंड बात भी सही है। लंजे अपने ड्रीम में भी विंग को बंदी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो विंग से शादी नहीं करना चाहता। वो जानता है कि विंग गुसु को पसंद नहीं करता, गुसु के रूल्स को पसंद नहीं करता, गुसु के लोगों को पसंद नहीं करता, तो लंजा विंग को बंदी नहीं बनाना चाहता। लंजा ने कहा, नहीं विंग। बट इससे पहले लंजा कुछ कह पाता विंग लंजा से अलग हो गया। उसने कहा, बहुत हुआ लंजा। ये बोल के विंग खड़ा हुआ और उसने लंजा की तरफ बैक टर्न कर लिया। उसने कहा, अगर तुम बेबी को एज ए एक्सक्यूज। तभी लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि हैंगोंग जून ऐसे भी कर सकते हैं। ये सुन के लंजे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वही वुशियान। तो विंग ने कहा, लांग वांग जी। ये देख के लंजा वॉरिड हो गया। वो देख रहा था कि विंग का टेम्परमेंट कैसे चेंज हो गया। जस्ट कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड पहले वो दोनों बेड में थे, किस कर रहे थे, एंड अब वो लंजे के सिंपल रिक्वेस्ट से इतना गुस्सा हो गया। पहले विंग बहुत ही कम अपसेट हुआ करता था, तब चाहे लंजे उसे कितना भी पुश करता, उसके ऊपर गुस्सा होता, उसे पनिश करता, पर स्टिल विंग कहीं भी ऐसा बिहेव नहीं करता। ये सोचते हुए लंजन ने एक डीप ब्रेथ लिया अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि अगर वो दोनों ही गुस्सा हो गए तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर विंग गुस्सा है तो लंजन को अपने आप को शांत करना होगा ताकि उनके बीच में एक सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन हो सके। लंजन ने कहा, विंग मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, मेरे क्लोज रहो, हमारे क्लोज रहो। ये बोलते हुए लंजा उठकर बैठा, बट विंग ने अभी तक लंजा की तरफ टर्न नहीं किया। विंग ने कहा, अगर ऐसी बात है देन तुम मेरे साथ लोटस पिया क्यों नहीं चलते। ये सुनते ही लंजा चुप हो गया। उसे पता है कि विंग का सजेशन भी फेयर है, ये भी किया जा सकता है, बट वो इस हालत में अपने फैमिली से, अपने घर से दूर नहीं रह सकता, उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। वो ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, पता था मुझे। ये सुनकर रंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, पता था। विंग ने कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते बट तुम मुझे गुसु लेकर जाना चाहते हो ताकि तुम मुझे फिक्स कर सको, है ना? एंड तुम इस बात को डिनाई भी कर रहे हो। एंड जब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम रोडस पियर चलो, तुम नहीं मान रहे। लांग वांग जी, क्या तुम मुझसे इतना हेट करते हो? ये सुनकर रंजा ने कहा, कभी भी नहीं विंग, मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकता। विंग ने कहा, दिन क्यों तुम हमारे शादी के इतने अगेंस्ट हो? लंजे को समझ में नहीं आ रहा कि विंग इस बात को बार बार क्यों उठा रहा है, वो इससे इतना परेशान क्यों है। जब भी उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है विंग इस बात को लेकर आता है। लंजे बहुत ही कन्फ्यूज हो चुका था, वो अपने थॉट में खो चुका था, वो इतना खो चुका था कि विंग ने लास्ट में क्या कहा वो उसे सुना ही नहीं दिया। विंग ने लास्ट में विस्पर करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने का वर्थ ही नहीं हूँ? पर लंजन ने इस बात को सुना ही नहीं, तो उसने कहा, विंग नहीं। लंजन ने एक्चुअली ये आंसर प्रीवियस क्वेश्चन का दिया था, बट विंग को लगा कि उसने ये आंसर इस क्वेश्चन का दिया है, तो विंग गलत समझ गया। उसने कहा, ठीक है। ये बोलकर उसने अपने हाथ को जकड़ा एंड वो वहाँ से आगे जाने लगा, ट्रेन से निकलने लगा। विंग को जाते हुए देख के लंजन का ब्लड कोल्ड होने लगा। वो सोच रहा था कि नहीं, वो उन दोनों के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं ला सकता। वो ये नहीं चाहता कि विंग ये सोचे कि लंजा उससे प्यार नहीं करता, वो उसे नहीं चाहता एंड वो लंजा का वर्थी नहीं है, लंजा ये नहीं चाहता। तो लंजा ने कहा, विंग नहीं प्लीज़ रुको। ये बोलते हुए लंजा उठकर खड़ा हो गया एंड इमीडिएटली उसके बॉडी में पेन होने लगा, उसे बहुत पेन होने लगा, पर फिर वो नहीं रुका, उसे विंग को रोकना ही होगा। तो वो दौड़ के विंग के पास चला गया, उसके हाथ को पकड़ लिया एंड देन उसने पीछे से विंग को हग कर लिया। ये देख के विंग ने इमीडिएटली कहा, लंजा तुम अभी खड़े होने के लिए अलाउड नहीं हो। ये बोलते हुए विंग अपने को अलग करने की कोशिश करने लगा, बट लंजा ने विंग को नहीं छोड़ा, उसने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने प्लीट करते हुए कहा, विंग प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। देन विंग ने फोर्सफुली अपने आप को लंजा से अलग किया, इसके वजह से लंजा डिसबैलेंस हो गया, वो नीचे गिरने ही वाला था
बट विंग ने उसे पकड़ लिया अपने बाहों में। विंग का एक हाथ लंजे के बैक में था एंड दूसरा हाथ लंजे के चेस्ट को रैप किया हुआ था। विंग ने चिल्ला कर कहा, लंजा तुम्हें हो क्या गया है, तुम ठीक तो हो ना? तभी विंग ने देखा कि लंजा की आंखों में आंसू है। ये देखते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ओ माय गॉड लंजा, क्या तुम हर्ट हो? क्या तुम्हें ऊंट में दर्द हो रहा है? विंग ये सब बोल तो रहा था बट लंजा के दिमाग में एक ही बात चल रहा था। वो सोच रहा था कि सब कुछ सही चल रहा था, उसने ये सब क्यों स्पॉइल किया, वो भी ये कह के कि मेरे साथ गुस्सू चलो। लंजा को ये सब बोलना नहीं चाहिए था, वो एक स्टूपिड है। अभी लंजा विंग के क्लोज जाना चाहता था, वो उसे होल्ड करना चाहता था एंड वो अपने मन की बात उसे बोलना चाहता था। वो अपने फीलिंग को शेयर करना चाहता था, कन्फेस करना चाहता था। वो वही वर्ड्स उसे बोलना चाहता था जिसे बोलने के लिए वो कब से तड़प रहा है। ये वर्ड्स उसके दिल में तब से था जब से उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा था अपने सेक्ट के गेट में, तब से जब से उसने अपने एंसेस्टर के सामने उन दोनों के हाथों को अपने फॉरहेड रिबन से टाई किया था। एंड इस बार लंजा ने अपने आप को नहीं रोका, उसे पता है कि वो बेहोश हो रहा है। उसने कहा, आई लव यू, एंड देन वो विंग के बाहों में ही बेहोश हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।